लोग विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया, थोड़ी दूर हट करके बैठ गए। आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है, एक बात सोचिए, हमें तो 4 ही दिन हुए और उस अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाएंगे, अपना भोजन उठाया उस अंधे को दे दिया। और यही तो है अपनी संस्कृति, भूख लगे तो खाओ ये प्रकृति है, और भूख न लगे फिर भी खाओ ये विकृति है, और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया, मैत्र ने भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। कहने का मतलब मेरा यह है, 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया विश्वामित्र ने, शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते हैं, उठने की हिम्मत नहीं होती। मैत्र नजदीक आ गया और जवाब दिया, हरिश्चंद्र जी महाराज, मैंने भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े हरामी हो, अगर मैं पहले जानता तो हम तुम्हें खरीदते नहीं। कहिए महाराज क्या करना। बोली, घड़ा उठाओ, इसमें जल लेके आओ, और जब तुम जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। जवाब दिया हरिश्चंद्र, करियो काम फिर तुम लौटी के खाना खाइयो। एक बात कहिए, घड़ा लेके जाओ, इसमें जल लेके आओ, और जब तुम जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले ने घड़ा भर तो लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को उठा के अपने सिर पर रख लेते, उसी जगह पे बैठ गए तो क्या देखा। क्या देखा है, सामने से तारा रही है, तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में को तसल्ली बंधी। एक बात सोची है, ये तो मेरी रानी है, इसने एक दिन ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई और आज मेरा घड़ा भी उठवा दिया। और तब तक तारा सामने पहुंच गई, तारा ने देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया। महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा सच बात तो यह है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आगे बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया, तारा इशारा किया, तारा
एक बात कही है तारा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तो मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्यों, क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता? तारा तारा कहती है, महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तुम्हें अंदर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो, मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती। तो तारा ने एक बात कही, महाराज एक हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। कौन सा? तारा बोली, महाराज उपाय ये, जवाब दिया, महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना चलेगा ना। तारा ने अपने इतने शब्द कहे, अपना घड़ा उठाया, अपने सिर पर रखा, वो दुबान से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे रह गए। एक बात सोची, क्या ये बहिरानी है जो इसने एक दिन ये कसम खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या ये बहिरानी है जो एक दिन हमारे साथ में बिक गई और आज इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया? शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, और कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। महाराज हरिश्चंद्र थोड़ी देर बैठ करके सोचते रहे। उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने उस घड़ा को उठा तो लिया। शरीर में शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को ये घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मैत्र के नजदीक पहुंचे और मैत्र ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ? बोले महाराज वो घड़ा तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए, कोई काम नहीं करते। हाँ तो तुमने घड़ा को भी तोड़ दिया, अब ये काम तुमसे नहीं होंगे। ऐसा करो, मेरी लाठी उठाओ, मर घट पर जाओ, कफन उभारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, ये मरघट पर पहुंचे। उधर तारा से एक बात कही है ब्राह्मण ने, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए हैं, वो तो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, भाई उससे ये कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए भूल लिया। तारा ने रोहितांश को बुलाया, मेरे लाल हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तुम ऐसा करो तुम बगीचे में चले जाओ, फूल ले आओ। तो रोहितांश ने देर नहीं की है, चले। चले रोहितास तो माटी की बादल में न डलिया आदल में कुमारो चलो बगीचे में पहुंचे हैं रोहितास तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला, फूल एक खिला हुआ, तब सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ, तब सियर छिपा हुआ, लागी है मन में
क्या देखा है बड़ा सुंदर पुष्प खिला है तो देर नहीं की है। रोहितास ने हुआ क्या रोहितास ने जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया विश्वामित्र ने सर्प बनकर के रोहितास को डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, गांव की गलियों में आवाज लगाई है, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। और जैसे किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आए, वो बिलख रहा है, मैं देख के आ रहा हूं। तारा तारा भोजन बना रही थी और तारा के कान में जैसे ही आवाज पड़ी है एक बात सोचिए कि मेरा रोहित भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज मैं अपने बच्चे को देखा हूं। ब्राह्मण कहने लगा भी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया। बोली महाराज मैं जाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल सही लिखा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो कहते कि बड़ा धीरा सपने सुखलाई, वो समय तुलसी दादी कहते जैसे तैसे आज्ञा को लेकर के तारा वहां से भागी है। बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा है कि रोहितास बिलख रहा है। तारा ने जैसे ही देखा एकदम से गोद में उठा। क्या हुआ रोहित? रोहितास ने अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मैया तुम रोना नहीं, मुझे सर्प ने डस लिया है, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे क्योंकि जहर जहर अब हमारे शरीर में फैलने लगा। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, हम कहां जाएंगे लाला? रोहितास कहते मेरी मैया मैंने कहा नहीं, जहर मेरे शरीर में फैलने लगा, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। आंखों में आंसू लेके तारा बोली लाला ऐसा मत बोलो, बेटा जा दुखिया मैया को
आंखों में आंसू लेके तारा बोली लाना, मैंने कहा नहीं रोहित दास तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहित कहते हैं मेरी मैया क्यों नहीं मानती हो, जहर मेरे शरीर में घूमने लगा। कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो, इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है, यहां हर दिन किसी को भी नहीं रहना। मैया मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो घूमने बिरानी है। बोली बेटा ऐसा न बोलो, कोई तास कहते तेरी मैया मेरी माँ का करो कर लो या बनो तेले सबुरा में गांठी जन्म बेटा ने लिया। और मैया अंत में सिर्फ एक कहना है और वो ये है तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो तारा दहाड़े मार मार करके रोने लगी, बेटा मेरा कौन है, अब हम कहां जाएं, तुम भी हमें छोड़ करके चले गए। तारा ने जैसे ही देखा रोहितास की लाश को गोद में उठा ली। तारा बोली बेटा कहां जाए, कौन है मेरा ताना। जब रोई रोने की आवाज बगीचे के मालिन के कान में पड़ी है, भाग करके सामने आई और एक बात कही, देखो बहन तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, इसलिए तुम ऐसा करो अब तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो।
तो तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे हम रोहितास के लिए कफन भी लेके आऊं। तारा जो साड़ी को पहने हुए थी, आधी साड़ी को फाड़ करके रोहितास का कफन बनाया। रोहित की लाश को लेकर के मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी है। चिता बनाती जाती है, रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जो तारा पर नहीं रुका गया तो बच्चे की लाश को गोद में उठा लिया। तारा रोने लगी, बेटा कौन है मेरा, कहाँ जाए बेटा मेरे, बोलो अखियां जरा खोलो, लाला मेरे बोलो अखियां जरा खोलो, मैया तेरी रोए लाल बिक तीर बना ले, लिखो सुना दे बेटा मेरे बोलो। लाश को गोद में लेके तारा बोली, बेटा तारा जब रोई, महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी करते थे, रोने की आवाज जैसी सुनी है तत्काल ही लाठी उठाई, सामने पहुंच गए। बोले नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है, बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए, तारा को देखा तो होश उड़ गए। तारा तुम क्या हुआ, बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र ने वही बात की, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगे तो रानी तुम भी तो मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे टाले। तारा मेरे महाराज का हुक्म है, पहले हमें टका चाहिए उसके बाद में बच्चे की लाश जलेगी। महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा हम अपने महाराज की आज्ञा नहीं टाल सकते। तारा रोने लगी तो हरिश्चंद्र कहते तारा तुम और रिश्ते तो हमारे तुम्हारे उसी दिन से छूट गए तारा। काशी में आए बिके छुपे सब बनाते हैं, करे नौकरी सब धरे हम रहते हैं, तू पता एक एक बात कही है
बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले तुम हमें टका दे दो। तारा कहती है, महाराज कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम करें। बच्चे की लाश जब चिता में रखी है, राजा रानी